श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में क्यों की गई? क्या आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आया है? तो सच बात यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया था तो वो रामनवमी का दिन था, और उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था। लेकिन जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनके जो पत्तल होते थे, उनके जो लेख होते थे, वो उनको चूहे को तर दे रहे थे और वो कहीं गायब हो जा रहे थे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक दिन उनके स्वप्न में भगवान स्वयं आके बोले कि आप जो है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा अपने भाषा में ही कीजिए, जो कि जनमानस के लिए भविष्य में अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, और क्योंकि ये अवधी भाषा में होगा इसलिए जनमानस के लिए इसका अध्ययन भी सरल होगा, और क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए संस्कृत को पढ़ना समझना अत्यंत मुश्किल हो गया है, इसी कारण से अवधी भाषा में लिखे श्री रामचरितमानस को समझना पढ़ना सरल है, इसी कारण से हम रामायण की शिक्षा सरल भाषा में ले सकते हैं। यही कारण था कि प्रभु के द्वारा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को आदेश दिया गया कि श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही की जाए। तो क्या आपको यह पता था? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम।